अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और करेंगे अपने रमज़ान को बहुत मज़े से एंजॉय और खूब मज़े की इफ्तार भी कर रहे होंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इफ्तार नहीं बनती है और हम लोग जो हैं बहुत सादगी से ही रोज़ा खोलते हैं। जस्ट खजूर होती है और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग खाना खा लेते हैं। जिसकी रीज़न ये है कि मेरे मदर और फादर जो हैं वो कोई भी तलावा जो है फूड वो नहीं खा सकते, तो उनकी वजह से मैं घर में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। खैर ये तो हो गई थी मेरी इफ्तार की बात, और आप लोग शेयर करें आप लोगों की इफ्तार जो है वो कैसी होती है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो मैं शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी कि हमारे एक विजिटर ने जो है मुझे क्रिटिसाइज़ किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती वक्त को जो है मेरी वीडियो देखने पे सर्फ किया, और एंड में मुझे लिखते हैं कि ये व्लॉग नहीं है। तो खैर मैंने उनको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया था कि अगर ये व्लॉग नहीं है तो फिर क्या है, आप ही बता दें। और यहाँ पर भी मैं उनमें यही रिप्लाई करूँगी कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि अगर जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो व्लॉग नहीं है तो क्या है। ऑल्दो मेरी वीडियोस जो हैं डिफरेंट टॉपिक पे होती हैं, मेरे डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं और मैं अपनी शॉपिंग और डेली रूटीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसमें शामिल होते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट्स। तो ये तो हो गया था एक कमेंट का रिप्लाई, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर जो है कितने लूज पॉइंट्स हैं जिनको मैंने फिक्स करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी मैं जो हूँ एक मज़े का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस हों तो शेयर लाजमी करें, और शेयर करना अच्छी चीज़ होती है, एक दूसरे का हौसला बढ़ता है और पता चलता है कि दुनिया किस जगह पे चल रही है। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे वो है फ्रोज़न फूड के हवाले से। तो फ्रोज़न फूड जो है अब बहुत ज़्यादा इन हो गया है हमारी लाइफ के अंदर, और तकरीबन हर कंपनी ने जो है इस फील्ड में अपना नाम मनवाने की बेइंतहा कोशिश की है, और खानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तल के कमर्शियल्स के ज़रिए इतनी खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया जाता है कि मुंह में जी पानी आ जाता है, और हम कहते हैं चलो इसको ट्राई करें। बेशक हमें आती है कुकिंग, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम ऐसे हैं कि हमें कोफ्त होती है और हम मर रहे होते हैं कि किचन में खड़े होकर हम ये बनाएं। छोड़ो यार, इतनी मेहनत होगी, थोड़े से पैसे देके तो हम बाजार से ले आते हैं, टाइम बचाते हैं। तो जो टाइम हम बचा रहे होते हैं वो टाइम हमारा कहीं और चला जाता है। फ्रोजन फूड खा के बड़े बड़े टिड्डू हो जाते हैं। टिड्डू बड़े हो जाते हैं और जेब हल्की हो जाती है, क्योंकि फ्रोजन फूड वाले जो हैं वो दबा के कमा रहे हैं। अब कमा कमा के के दबा रहे हैं, किसको दबा रहे हैं अब आप खुद समझ ले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो खैर ये तो चलता रहेगा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है सबरोसो का जो है मैंने परचेज किया है चिकन पॉपर्स। तो लास्ट टाइम जो है सबरोसो के हम लोग लेकर आए थे सीखी सीखी कबाब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए थे, और मैंने उससे दो डिशेस तैयार की थी, टेस्टलेस थे। गो के अल्लाह ताला के रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो मेरी सिस्टर कह रही थी आप एक घंटा अगर निकाल के किचन में काम कर लेती तो इससे लजीज और बेहतरीन कबाब हम लोग खा लेते। और क्वांटिटी भी ज्यादा होती। क्वांटिटी ज़्यादा होती है और हम उंगलियाँ चाट रहे होते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी खा के उंगलियाँ चाट लो। खैर वो इतने कोई मज़े के नहीं थे, मतलब मेरे में आर पे नहीं उतरे। और मुझे जो है पसंद है वो मनोज सलवा के हैं और सूफी के। और तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन मैं जिस एरिया में रह रही हूँ यहाँ पर ये दोनों ब्रांड्स नहीं मिलते हैं, और इनको परचेज़ करने के लिए जो है मुझे बड़े स्टोर पर जाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे पास इस वक्त टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है डॉन फूड्स और सेबरोसो, तो तुम ले लो। और डॉन फूड्स के जो है हम लोगों ने ट्राई किए थे शामी कबाब, और स्मेल आ रही थी उनमें से। आई थिंक उन्होंने जो है आलू उसके अंदर शामिल किए थे, खट्टा टेस्ट थोड़ा आ जिसकी रहा था। वजह से उसमें थोड़ा सा लेस आ गया था। कि मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और मुझे फील हुआ कि मैंने जो है 1500 रुपये जो है इन चीज़ों के ऊपर ज़ाया कर दी, क्योंकि मैं बड़े बॉक्स लेकर आई थी पूरी फैमिली के लिए। तो खैर उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो मैंने कहा कि चलो अब ये खा लो और 1-1 लीटर जो है ना कोक पी लेना, हजम हो जाएगा। तो पाकिस्तानी कौम इसी तरह कहती है कि हम जो है खा के पेट खराब कर लेंगे, लेकिन फेंक के जेब जाया नहीं करेंगे।
तो मैंने भी वही काम किया और मैंने कहा ये गंदे हाथों से नहीं बना, उन्होंने मशीन साफ करके बनाया। तो मेरी सिस्टर कहती पता नहीं क्या आला बला डाल दिया, तो आपकी अब खुद नहीं बना सकती। तो बस ये है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ और इतना टाइम नहीं होता। तो ये चिकन पॉपर्स हम लोगों ने परचेज किए थे सेब्रोसो के, ट्राई नहीं किए थे। और मैंने बहुत सारी मतलब ब्रांड्स को ट्राई किया है, और एक बार तो मेरे साथ मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि घर पे कोई नहीं था और अचानक से मेहमान आ गए, तो मैंने जो है नेबर के बेटे को भेज के मंगवा लिए थे फ्रोजन फूड। और मैंने कहा चलो ट्राई करके इनकी खातिर मदारत कर दूँ, और क्योंकि रिश्तेदार ऐसे होते कि अगर उनको कुछ ना पूछो तो कहते खाली चाप लाती हो भी फिक्की जाई, कुछ भी नहीं रखे ना ना ले बिस्किट सी ना निमको ना चिकन चुकन। तो खैर वो जब लेकर आए कबाब तो उन्होंने तो मज़े से खा लिए, पता नहीं उनका टेस्ट प्लेटर कैसा था। और उनके जाने के बाद जब मैंने और सिस्टर ने कहा कि हम लोग प्लेटों के ऊपर हाथ साफ करते हैं तो दिल इंतहाई बुरा हुआ, लेकिन मेरे मेहमान खुश होकर गए। तो दिल मेरा क्यों बुरा हुआ कि जो शामी कबाब थे एक कंपनी के, वो उन्होंने उसमें चने की दाल के बजाय जो है बेसन शामिल किया था, और उसको मिक्स करने की भी जहमत नहीं की, और बेसन का इतना सा डल्ला जो है वो कबाब के बीच में था। तो वो चूंकि बच्चे से मैंने मंगाए थे और उसको नहीं पता था कि कौन सी कंपनी के लाने, बस उसको शॉप पर जो मिले तो वो ले आया। तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, और फिर मैंने वो कबाब फेंके नहीं, मैंने उनको जो है रीफ्राई किया था और अंडों का खागिना बनाया था। टेस्ट बहुत अजीब था, आप खुद इमेजिन करें कि कबाबों के मसाले में बेसन कौन शामिल करता है। इससे अच्छा तो मैं घर में कबाब बना लेती, लेकिन चूंकि टाइम की कमी थी सो मैं बना नहीं सकी। दूसरी जो डिश मैंने मंगवाई थी वो थे चिकन कोफ्ते। तो मुझे मेरी सिस्टर कहती आपके सालन पका के रखना, मैंने कहा नहीं भाई फ्राई करके मैं इनके आगे कर दूंगी कि खाने खाओ या एक दूसरे को मरने मर। तो वो मतलब इतने रबड़ी टाइप थे कि वो उन्होंने मशीन से उसको इतना गुजारा है, और पता नहीं उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव शामिल किया है कि वो कोफ्ते फूल गए थे। और इस तरह लग रहा था खाते हुए जैसे हम चिंगम खा रहे हैं, मुझे फील हो रहा था, मेरी सिस्टर को भी। लेकिन जो हमारे मेहमान थे उन्होंने इस तरह खाया है जैसे फिर कभी लगना नहीं है। तो खैर मुझे तो ये लेवल नहीं इनका पसंद आया था, और मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूंगी। आप लोग कहेंगे जी पहले डॉन का ले लिया तो वो बड़ी कंपनी थी, अब हर कोई जो है वो फ्रोजन फूड की फील्ड में आ गया, और मैं जो किसी का रिस्क नहीं रोकना चाहती हूँ, किसी के रिस्क पे लात नहीं मारना चाहती हूँ, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर उसका ताल्लुक है इस फील्ड से तो मैं यही कहूंगी कि ईमानदारी से जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं ताकि आपके कस्टमर खुश हों और आप लोगों की तारीफ करें। तो ये एक वाकया हो गया। और दूसरा वाकया ये हुआ कि मैं जो हूँ MP3 प्लेयर लेने के लिए गई थी शॉप पर, और मुझे लगानी होती है तिलावत रोज़ाना घर में, और मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी बहुत जल्दी डाउन होती। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में मोबाइल की चार्जिंग डाउन हो जाए तो उतनी देर में MP3 में जो है तिलावत लगा लूँ ताकि जहन को जो है एक सकून मिलता रहे और घर में भी बरकत और सकून। तो जब मैं उस मोबाइल शॉप पर गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि मोबाइल शॉप वाले ने भी जो है अपनी शॉप में एक फ्रीजर रखा हुआ है और उसके अंदर फ्रोजन आइटम्स रखे हुए हैं। तो वहां पे लेडीज खड़ी बहस कर रही थी कि भाई ये तूने इतने लंबे वाले सीख कबाब क्यों दे दिए, छोटे नहीं है? तो उसने कहा नहीं छोटे खत्म हो गए। तो कहती अच्छा चल छोड़ दे, ऐसा कर मुझे ना फ्रोजन रोल और समोसे दे दे छोटे वाले। तो उसने निकाले तो कहती है कि ये वाले समोसों का साइज बड़ा है, छोटे दो। उसने उससे छोटे निकाले तो कहता ये ठीक है, कहती हाँ ये ठीक है, अब रोल का साइज बड़ा है छोटे रोल। कहता हूँ बाजी अब मैं तेरे लिए छोटे रोल कहाँ से बनाऊँ, इसका एक ही साइज होता है। कहती नहीं मेरे घर में बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो मुझे जो है ना छोटे रोल चाहिए। तो कहता ले इसमें कौन सा मस्त है, ये रोल पड़ा है इसको तू ऐसे दरमियान से आधा छुरी से काट लेना, छोटे हो गए एक के दो और बचत की। कहती नहीं भी मेरे कटा हुआ नहीं लेना। तो कहता क्यों साबुत खा रहा है? तो मुझे ना उनकी गुफ्तगू सुन के हंसी आ गई। और हर दूसरी शॉप पर वाले ने जो है फूड की एक स्टॉल जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था शॉप्स के बाहर, और अवतार से मतलब 1.5 घंटा पहले हर कोई जो है मिक्स किस्म के पकौड़े समोसे और रोल्स वगैरह तैयार कर रहा था, और कचौड़ियाँ। इस एरिया में तो मैंने देखा है कि लोग अफ्तारी घर में कम ही बनाते हैं और बाहर से ऑर्डर करते हैं, एक तो आजकल के हालात इस तरह के चल रहे हैं, और दूसरा जो है ऑनलाइन ऑर्डर की इतनी बहुत ऐप्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, लोग ऑर्डर कर लेते हैं। फूड पांडा, चीता और इस तरह की और बहुत सी ग्रोसर्स ऐप है उनके ज़रिए। लेकिन हमारे घर वाले इतने वहमी हैं, कहते हैं नहीं जी हमने किसी के हाथ से नहीं मंगाना है, खुद टांगे तोड़ के जाओ और लेकर आओ। तो खैर आप लोग बताएं कि आप लोगों के फैमिली वाले भी आप लोगों को इसी तरह हांकते हैं जिस तरह मेरी फैमिली वाले मुझे हांकते हैं?
यार सिर्फ ये मेरे ही नसीब में इस तरह का। तो ये थे मेरे साथ जो फ्रोजन फूड के एक्सपीरियंस हुए, और फिर भी हम लोग इतनी डीट कॉम है कि हम फ्रोजन फूड जो है वो इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं कि नहीं भाई ये इन्होंने जो दिखाया है ना ये जादू, ये लजीज है, तो हमने जो है ना मुंह में डाल के से अपनी पेट पूजा करनी है। और राल टपक रही होती है, अभी नई प्रोडक्ट आई है तो लाजमी एक बार ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं किया तो हम जो है दुनिया की दौड़ में पीछे हो जाएंगे, और लोग कहेंगे हाँ तुसी ऐ नहीं खादा, असी तो ट्राई कर लिया। क्योंकि एक दफा ना मेरी कजन मेरे पास आई और कहती है कि कल तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तो मैंने कहा क्यों, कहती है कि कल ना हम लोग पापा के साथ सारे गए थे स्लश पीने, तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर के ड्रिंक्स जो हैं बहुत कम यूज करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। तो मेरे एकदम बोला, मैंने कहा क्या फ्लश कितिया है गंदी, फ्लश नहीं स्लश, तो मैंने कहा वो क्या बला होती है, कहती है बड़े मजे का होता है आप ट्राई करना। मैंने कहा अच्छा तो कितने का होता है, क्या चीज होती है, कहती है जूस होता है बहुत सारे उसमें कलर्स होते हैं, मैंने तो ब्लू और पर्पल दो कलर्स डलवाए थे। तो मैं बड़ी क्यूरियस होगी, मैंने कहा ये क्या बला है ना। तो उसके बाद जो है इसने कहा कि वो एक ग्लास जो है 220 से 280 तक का मिलता है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आइसक्रीम वाली शॉप्स पे इन्होंने लिखा होता है ना स्लश, उसकी बात करी। मैंने कहा वो बर्फ में जो रंगीन पानी डाल के दे देते, तो मुझे कहती छोड़ो आपको तो कुछ ना ही बताओ, इन्होंने सारा मजा ही खराब कर दिया, मूड ही खराब कर दिया। मैं इतनी खुश खुश आई थी कि जी पापा इतने अरसे बाद हमें लेकर गए कि हम लोगों ने स्लश पार्टी की है, तो आप ही ने क्या दे क्या बना दिया। खैर ये सब तो होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, ये कंटेंट कैसा लगा है इनबॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपने अगर फ्रोजन फूड को ट्राई किया है तो आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे रहेगा इंतज़ार आप लोगों के कमेंट्स का। यहाँ चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, मुलाकात होती एक नए वीडियो नए व्लॉग में नए कॉन्टेंट और न्यू एक्सपीरियंसिस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।